चीन की धोखेबाजी और चालाकी के अब तक आपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन अब अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक ने अपने आर्टिकल में चीन की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल गलवान में हुई भारत और चीन के जवानों के बीच की झड़प को लेकर चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक ने अपने इस आर्टिकल में बताया है कि 15 जून को गलवान में हुई झड़प में चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। इस अखबार के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की है, जबकि चीन इस बात को दुनिया से छुपाता रहा है क्योंकि यह खबर चीन की एक बहुत बड़ी हार को दर्शाती है। अब इतना ही नहीं, इस अमेरिकी अखबार ने यह खुलासा भी किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही भारतीय क्षेत्र में आक्रामक मूव के आर्किटेक्ट थे, लेकिन उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी इसमें फ्लॉप हो गई, भारत के बहादुर जवानों के सामने नहीं टिक सकी और अपनी जान से हाथ धो बैठी। आर्टिकल में कहा गया है कि भारतीय सीमा पर चीन की सेना की विफलता के परिणाम सामने आए, जिसके बाद चीनी आर्मी ने शुरुआत में शी जिनपिंग से इस विफलता के बाद फौज में विरोधियों को बाहर करने और वफादारों की भर्ती करने की बात कही है। दरअसल मई की शुरुआत में ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दक्षिण में चीन की फौजें आगे बढ़ी। यहाँ लद्दाख में 3 अलग अलग इलाकों में भारत चीन के बीच टेम्पररी बॉर्डर है, सीमा तय नहीं है और पीएलए भारत की सीमा में घुसती रहती है, खासतौर से 2012 में शी जिनपिंग के पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद। वही फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के क्लियो पास्कल ने बताया है कि मई के महीने में रूस ने भारत को यह बताया था कि तिब्बत के स्वायत्त शासी क्षेत्र में चीन का लगातार युद्धाभ्यास किसी इलाके में छिपकर आगे बढ़ने की तैयारियां नहीं है, लेकिन 15 जून को चीन ने गलवान में भारत को चौंका दिया। यह सोचा समझा कदम था और चीन के सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। यह झड़प दोनों देशों में 40 साल बाद पहली खतरनाक भिड़ंत थी। विवादित इलाकों में घुसना चीन की आदत है। वहीं दूसरी ओर 1962 की हार से लकवाग्रस्त हो चुकी भारतीय लीडरशिप और जवान सुरक्षात्मक रहते हैं, लेकिन गलवान में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ चीन के कम से कम 43 सैनिकों की जान गई। पास्कल ने बताया कि यह आंकड़ा 60 के पार भी हो सकता है। भारतीय जवान बहादुरी से लड़े और चीन खुद के हुए नुकसान को नहीं बताएगा, लेकिन अब 50 साल में पहली बार भारत ने आक्रामक रवैया अपना लिया है और हाल ही में जिन ऊंचाइयों वाले इलाकों को चीन ने हथिया लिया था, भारत ने उन पर फिर से अपना कब्जा कर लिया है, जिसके बाद चीन की सेना तब चौंक गई जब उनकी ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जे की कोशिशों को भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया और चौके हुए चीनी सैनिकों को वापस लौटना पड़ा। तो पीपल्स, आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर इससे जुड़ा और कोई अपडेट आता है तो हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक आप सब जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।
वो Thank you.